आउट कर दो, ठीक। इसको अपन पढ़ रेखीय अवकल समीकरण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपन वाई में रेखीय अवकल समीकरण क्या, किस प्रकार के ये होते हैं। डी वाई बाई डी एक्स मिलने का सिंबल, डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लायर में कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक फंक्शन होना चाहिए एक्स का, मल्टीप्लाई में वाई होना चाहिए और काम टू एक्स होना चाहिए। देखो, किसी भी अवकल समीकरण, चाहे वो रैखिक हो, चाहे वो समघात हो, चाहे वो चर पृथक्करण का हो, उसको पहचानना जरूरी है। अगर रैखिक अवकल समीकरण या किसी भी अवकल समीकरण को आपने पहचान दिया तो फिर उसकी पुस्तकों को पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कभी भी लिखा हुआ नहीं आता है कि रैखिक अवकल समीकरण आपको देता क्या है। अवकल समीकरण देता है और कहता है इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए, सामान्य हल निकालिए। तो उसमें एक तो पहचान की बहुत जरूरी है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, सबके अलग अलग गुण है। वो तो सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी और आज भी बता रहा हूँ। तो दूसरी बात आपकी महत्वपूर्ण क्या हो जाती है, किसी भी अवकल समीकरण को क्या एक ही विधि के द्वारा हल किया जा सकता है, क्या रैखिक अवकल समीकरण को सिर्फ और सिर्फ रैखिक विधि से ही हल किया जा सकता है। नहीं, किसी एक अवकल समीकरण को किसी भी विधि से, किसी अन्य विधि से भी हल किया जा सकता है। जैसे रैखिक का अवकल समीकरण, लेकिन समघात में चेंज हो जाए, समघात से भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि वो समघात भी हो सकता है। तो किसी रैखिक, किसी भी अवकल समीकरण के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि पर्टिकुलर ये इसी विधि से सॉल्व करना जरूरी। आपको अलग अलग चैप्टर में विधियां बताए समझाने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज बनानी नहीं होगी, तुम किसी भी तरीके से हल कर सकते हो। लेकिन आपको ये डिसाइड करना जरूरी हो जाता है कि कौन सी विधि से इसका सरलतम और शॉर्ट, जल्दी शॉर्ट मेथड से इसका सोल्यूशन हम दे पाए। ये आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है और काबिलियत कहाँ से आएगी, आपकी प्रैक्टिस से। अच्छा, कोई कोई अवकल समीकरण ऐसे होते हैं जो रैखिक होंगे लेकिन समघात नहीं होंगे, तो फिर उन्हें सिर्फ रैखिक से हल किया जा सकता है। कुछ अवकल समीकरण ऐसे होते हैं जो केवल समघात होते हैं, रैखिक नहीं हो पाते, तो सिर्फ उनसे उनको समघात विधि से हल किया जा सकता है। कुछ रैखिक अवकल समीकरण दोनों ही प्रकार के होते हैं, जिसमें रैखिक के गुण भी होते हैं और समघात के गुण होते हैं, तो उनको दोनों प्रकार से किया जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अवकल समीकरण को हल करने की अलग अलग विधियां हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि कौन सी सरलतम विधि इस पर अप्लाई हो सकती है। उसके लिए आपको किसी भी अवकल समीकरण को पहचानना अत्यंत आवश्यक तथ्य है। तो आज हम रैखिक अवकल समीकरण के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो किस तरह का होता है, वो किस तरह से दिखाई देता है और उसको रैखिक क्यों कहते हैं। बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होगा, एक्स का फंक्शन मिलेगा मल्टीप्लाई में वाई होगा और इक्वल टू एक्स का फंक्शन होगा जिसको क्यू एक्स बोलेंगे। उसे कहूंगा जहां पी एच तथा क्यू एक्स एक्स के फलन है या अचर फलन है। ये बात को Px और Qx या तो x के फलन होंगे या फिर अचर फलन होंगे, ऐसा मुझे कहा। फिर मैं आगे बात करता हूं कि
सर कुछ एग्जांपल दीजिए कि कैसे होते होंगे और निश्चित रूप से कुछ उदाहरण दिए जाएंगे। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल बी वाई वाई डी प्लस साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉस एक्स। देखिए कंपेयर कीजिए दोनों को, बी वाई बाई डी दोनों सिंगल है, वाई के गुणा में एक्स का फलन है और आगे कॉस एक्स है, तो बताइए पी एक्स को कंपेयर करें तो कितना हो गया, कॉस एक्स हो गया ना, तो एक्स का फलन है। फिर क्यू एक्स को कंपेयर करें
dy by dx पहला इक्वेशन होता है, इसका मतलब dy by dx लिखा हुआ है प्लस 2y लिखा हुआ है, 2y प्लस 2y है और इक्वल टू 4x है, इतना 4x ऐसा करता है, ठीक है, dy by dx प्लस 2y प्लस 4, ये क्वेश्चन आपको करना है। कंपेयर कीजिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने क्या बताया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई एक्स इनटू वाई इक्वल टू टू एक्स, ये बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर करेंगे तो देखिए पी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई का गुणा पी एक्स कहलाता है, टू पी एक्स हो गया, आगे को लिखा हुआ था एक्स का फंक्शन पी एक्स कहलाता है, टू एक्स कितना हो गया, टू एक्स आपका हो गया। अब चाहिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर में समाधान किसका करें, px का, किसका होता है px का और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो आगे करते हैं e की पावर समाधान px, px की वैल्यू 2 और dx e की पावर 2 बाहर आ गया समाधान में, dx का आ गया है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई e की पावर 2, ठीक आपकी विधि से मैंने निकाला। फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद में क्या लिख देते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन मतलब इसका हल क्या होगा, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इक्वल टू समाकल का साइन आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx होता है और dx होता है और dc हो जाता है, ये आपका सॉल्यूशन होता है, इसका मैंने आपको अभी भी लिखवाया था, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पावर 2x इक्वल टू समाकलन e की पावर 2x इनटू 2x, 2x की वैल्यू 4x और dx प्लस c, ये आपका होगा। देखिए स्टूडेंट्स इंप्लाई दैट y इनटू e की पावर 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में x e की पावर 2x dx प्लस c, इसको आप सेकंड खंड से समाकलन विधि लगाने पड़ेगी, दो फलन हुआ में तो खंड से समाकलन विधि लगाएंगे इसको फर्स्ट मोड में सेकंड मोड में, तो बच्चों देखिएगा y into e की पावर 2x इक्वल टू 4 बाहर है फर्स्ट को रखा जाता है x का, सेकंड का समाकलन होता है कितना होता है 1 by 2 e की पावर 2x हो जाएगा इसका समाकलन और माइनस का साइन आता है समाकलन का साइन, फर्स्ट का अवकलन किया जाता है x का अवकलन 1 हो गया, सेकंड का समाकलन फिर वही हो गया 1 by 2 e की पावर 2x और फिर dx और प्लस c और ये तो बात, ठीक है, इसके फोर अंदर जाएगा तो से कट जाएगा, देखिए आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5 e की पावर 2x इक्वल टू ये 2 कट के 2x e की पावर 2, ये बन गया माइनस का साइन आया और यहां पर कितना ये भाई 1 / 2 बाहर आएगा काट के कितना मिलेगा 2 और e की पावर 2x का फिर समाकलन करना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 1 बटा 2 e की पावर 4 और प्लस c, ये आपका हो गया 2 से 2 ये कट जाएगा और e की पावर 4 से पूरे को भाग दे दूं तो y बराबर, ओके, पूरे समीकरण में सेम चीज का भाग दे सकते हैं, e की पावर 4 का भाग दिया यहां पर, e की पावर 4 का भाग दिया कट गया यहां, e की पावर 4 कट गया फिर आगे क्या आया 2 कट गया यहां, e की पावर 4 कट गया 2 से 2 कट गया कितना आया माइनस 1 आया और प्लस सी में भाग लगा तो सी के गुणा में ई की पावर माइनस टू आ गया, दैट इज योर जनरल फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अवकल समीकरण का सामान्य हल प्राप्त हो गया, ये आपका आंसर है, क्या बच्चे समझ पाए स्टूडेंट्स, बच्चे समझ गए हैं क्या, ये समझ गए अच्छी बात है, मैं भी चाहता था कि आप लोग समझ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको रीड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, समझ में आ गया है आपको, नेक्स्ट पे चलेंगे, मैं इन डाल लेता हूं मार्कर में तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि cos स्क्वायर d बाय dx प्लस y इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर सेकंड cos स्क्वायर x dy बाय dx प्लस आपका है y इक्वल टू 10। देखिए रैखिक अवकल समीकरण की खास बात क्या होती है, dy by dx के गुणा में कुछ नहीं होता, तो cos स्क्वायर x से भाग कर दे पूरी समीकरण को तो dy by dx के गुणा में कुछ नहीं आएगा, तो cos स्क्वायर x से भाग कर दे से भाग दे पर आपका हो जाएगा dy by dx सिंगल बच गया प्लस यहां sec स्क्वायर x आ जाएगा y के गुणा में, y के गुणा में गुणांक में क्या जाएगा sec स्क्वायर x आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं इक्वल टू tan x के गुणांक में भी क्या जाएगा sec स्क्वायर x। तो बच्चे tx की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो sec स्क्वायर x tx हुआ y का मान होता है, उसके बाद आपका tx क्या होता है tan x sec स्क्वायर x बिल्कुल काम होता है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है कितनी वैल्यू होती है पावर समाकलन को किसका पीएक्स का पीएक्स कितना है सेक स्क्वायर थर्टी, तो पी की पावर टेन एक्स आ गया आपका जो कि समाकलन की आप जानते हैं। और सॉल्यूशन लिख देने इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखना वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर टेन इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन समाकलन का साइन और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर टेन एक्स मल्टीप्लाई टू एक्स वाट इज द वैल्यू ऑफ टू एक्स tan x sec स्क्वायर d प्लस c। देखिए इसका समाकलन करने के लिए प्रश्न स्थापन विधि का अनुसरण करना पड़ेगा, यदि tan x को p मानेंगे तो sec स्क्वायर dx हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे माना p बराबर tan और dt बराबर हो गया आपका sec स्क्वायर d। ठीक है बच्चों बहुत ही सुंदर तरीके से आप कर पा रहे हैं y e की पावर 10 इक्वल e की पावर 10 x यानी कि e की पावर t 10 x के लिए t पुट कर दिया इस तरह से क्या कर पुट कर दिया t और sec स्क्वायर dx की जगह dt और इसको बस में क्या आ गया आपका c। अच्छा ये बात ये सेकंड कौन सा मेथड लगाएंगे खंड से समाकलन की विधि से ज्ञात करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग मामले होते हैं समाकलन की कौन सी विधि मिली जाती है खंड से समाकलन। तो देखिए खंड से समाकलन करते हैं इसका y into e की पावर 10 x इक्वल टू फर्स्ट को रखा जाता है t को रख दिया e की पावर t का समाकलन e की पावर t माइनस का साइन इंटीग्रेशन करता है और फिर क्या करते हैं फर्स्ट का अवकलन यानी कि 1 हो गया और सेकंड सेकंड फंक्शन का समाकलन e की पावर t हो गया और फिर dt आ गया और प्लस में c आ गया। बच्चों मैं इनका लिख देता हूं इधर बोर्ड पर पता कर लेते हैं यहां पर इसके y into e की पावर 10 x है आपका इक्वल टू t into e की पावर t आ गया t into e की पावर t और माइनस e की पावर t प्लस t हो गया y e की पावर 10 x और कॉमन आ गया e की पावर t और t माइनस 1 हो गया और प्लस t हो गया t की वैल्यू पुट कर दिया जो कि आपको मालूम हो, तो y e की पावर 10 x इक्वल टू e की पावर 10 x और 10 x माइनस 1 और प्लस ज्यादा अच्छा लिखना चाहते हैं कि पावर टेन एक्स से पूरी समीकरण को भाग कर दीजिए आपका यहाँ वाई बच जाएगा यहाँ टेन एक्स माइनस वन बच जाएगा और सी के गुणा में ई की पावर माइनस टेन एक्स बच जाएगा, तो ई की पावर टेन एक्स का भाग देने के बाद ऊपर में जाएगा तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा और वो माइनस के रूप में आ जाएगी। दैट इज योर जनरल सॉल्यूशन स्टूडेंट। थैंक यू।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इस नंबर 3 क्या कहता है। वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इनटू में डीवाई बाय डीएक्स है, प्लस टू एक्स इनटू वाई है इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। याद रखना ठीक। देखिए dy by dx का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 1 plus x square से सबसे पहले डिवाइड करना होगा। तो 1 plus x square से 1 then 1 कितना हो जाएगा dy by dx plus 2x upon 1 plus x square और into y equal to 4x square upon 1 plus x square। ये हो गया dx के लिए 2x upon 1 plus x square, 2x to the 4x square upon 1 plus x square, or integrating vector is equal to e raised to the power. इसका क्या करें? e to the power में ex लिखेंगे तो 2x upon 1 plus x square और e raised to the power 2x upon 1 plus x square। देखिए नीचे वाले का उत्तर ऊपर हो, नीचे वाले का अवकलन ऊपर हो तो समाकलन लोग अंश में हर का अवकलन हो तो हर को टी माना जाता है। लेकिन अब अपन बच्चे नहीं रहे, हम पूरा समाकलन सीख के आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक छोटी बेसिक फंक्शन समाकलन यानी कि नीचे एफ एक्स को और ऊपर उसका एफ डैश एक्स को और डीएक्स की वैल्यू होती है लॉग ऑफ एफ एक्स, कितना लॉग ऑफ एफ एक्स नीचे वाले का अवकलन ऊपर विद्यमान हो तो समाकलन होता है लॉग ऑफ नीचे वाला। नीचे वाला मतलब हर, यानी कि हर का समाकलन अंश में उपलब्ध हो तो समाकलन की वैल्यू हर का लॉग प्राप्त होती है। ये थ्योरी है। तो यहाँ पर देखिए 1 plus x square का अवकलन देखिए 2x होता है और 2x ऊपर विद्यमान है कितना हो जाएगा log of हर, हर मतलब 1 plus x square और ये log लग जाता है। याद कीजिए इससे log हट जाएगा, बच्चे जानते हैं 11th क्लास से, इससे log खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 plus x square। क्या आ जाएगा 1 plus x, मैंने ब्रैकेट लगा दिया है मोड हटा दिया। देखो बच्चों log हट गया तो मोड भी हटा सकते हैं, क्यों हर जगह नहीं हटा सकते, यहाँ पर हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूशन में सी लिखना पड़ता है, मैंने कई बार ये बात कहा है। तो जो प्लस माइनस वाली स्थिति बनती है वो सी में लॉग हो जाती है, वहां पर चली जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोड हटाते ही आप मोड लॉग हटाते ही आप मोड की जगह ब्रैकेट लगा सकते हैं, इसमें समाप्त ठीक है। वैसे लॉग का हम मोड हटा के वैसे सिंपल किसी क्वेश्चन में या किसी और मेथड में आप करेंगे तो गलत हो जाएगा आपका, बट समाकलन में कांस्टेंट की उपलब्धता होती है इस वजह से आप इसे ऐसा कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सॉल्यूशन लिख दीजिए। सॉल्यूशन कितना होता है स्टूडेंट? देखिए सॉल्यूशन y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर y x² समाकलन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² * 2x / 4x² और dx plus 2 1 plus x square को कट कर देगा तो आपका हो जाएगा y 1 plus x square equal to यही बचेगा 4x square, 4 बार आ जाएगा, x square का हो जाएगा x cube plus
कर ले तो डन लिख देना, मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, आगे चलते हैं। मैं आपको दूसरी थ्योरी देता हूं जिसमें हम पढ़ेंगे, अगर अभी तक पढ़ रहे थे y में रैखिक अवकल समीकरण, अब अपन पढ़ेंगे x में रैखिक अवकल समीकरण। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो काम y कर रहा था वो काम x करेगा, जो काम x कर रहा था वो y करेगा। वहां पर dy by dx, यहां पर उल्टा हो जाएगा, dx upon dy कैसी होगी, dx upon dy प्लस यहां पर px था यहां पर py हो जाएगा, वहां में वहां y था यहां x हो जाएगा, इक्वल टू 2x था यहां पर 2y हो जाएगा, जहां py पर था 2y y के फलन है, y के फलन है या असर है, तो py तथा qy या तो y के फलन होंगे या अचर फलन होंगे, ऐसा उसने होना चाहिए। तो इसको कहेंगे x में रैखिक अवकल समीकरण। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अपन क्या देखने को मिलेगा, अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आवश्यकता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आवश्यकता है, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर y में अवकलन हो, y के सापेक्ष समानुपातिक अवकलन हो रहा है, देखो dx / dy किसके सापेक्ष अवकलन हुआ, y के सापेक्ष। तो पूरे क्वेश्चन में चाहे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात हो चाहे सॉल्यूशन की बात हो, y के सापेक्ष समानुपातिक हो, तो y के सापेक्ष समाकलन होगा, तो py को y का फलन होता है, और के फलन होगा तो dy का जाएगा, ये इस टाइम की इंटीग्रेशन होगा, सॉल्यूशन का निकल जाएगा, वहां पर y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, जहां पर x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, इक्वल टू समाकलन होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y का फलन रहेगा, तो py y का फलन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर y का फलन रहेगा, into qy और dy मुझे कहीं विचार नहीं करना, सबसे पहले मैं dy by dx निकाल लेता हूं, और dy by dx से काम नहीं बैठेगा, रैखिक अवकल समीकरण न बन पाए तो मैं उल्टा कर दूंगा, dx को dy निकाल लूंगा, वहां से बन जाएगा। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, पहले मैं dy by dx, मुझे पता है इसमें x में रैखिक अवकल समीकरण बनेगा, लेकिन मैं चेक करवाऊंगा कैसे, क्यों नहीं बनेगा y, इस बारे में विचार करेंगे। तो dy by dx dy by dx फाइनल करूंगा, तो मेरा हो जाएगा
माइनस वाई वाई कर गया और ये नीचे में गया अपॉन टू एक्स माइनस टेन वाई। अब आप बताइए आपका वाई में डी वाई बाई डी एक्स वाई का इंटीग्रल पर समीकरण बना के क्या बनता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स और इनटू में आपका बनता है वाई इक्वल टू टू ऐसा ही बनता है। यानी कि तीन टर्म होते हैं एक डी वाई बाई डी एक्स वाली एक वाई वाली और एक एक्स के फंक्शन वाली एक और टर्म। तो यहाँ पर भी कितने टर्म है डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है लेकिन यहाँ तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है अलग अलग को हो ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों है नीचे में तो अलग अलग कैसे करोगे अलग अलग नहीं कर पाएंगे तो दो ही टर्म बन के रह गए तो फिर कैसे रहेगी तो उनका समीकरण बन पाएगा आप ही सोचिए। तो मुझे तीन टर्म चाहिए लेकिन जस्ट ये उल्टा हो जाए तो वाई का भाग लगते इसमें और इसमें तीन टर्म बन जाएंगे तो यहीं से पता चल जाता है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे डी एक्स अपॉन तो फिर तो ये नहीं बना तो क्या बना डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल दिया अपोजिट कर दिया टू एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वाई और डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर मिल गया माइनस टू अपॉन वाई इन टू एक्स और प्लस वाई से वाई कर दिया टेन वाई कर गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि देखो तीन टर्म आ गए डी एक्स अपॉन डी वाई के तो एक्स में रेखिक बनाओगे तो एक्स के गुणा में वाई का फलन रहा ये इधर आ जाएगा ये इधर वाई का फलन उधर पड़ा रह जाएगा तो आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस टू अपॉन वाई इन टू एक्स इक्वल टू टेन वाई स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि पी वाई का वैल्यू वन का वैल्यू ऑफ पी वाई टू ऑफ टू वाई एंड वन का वैल्यू ऑफ क्यू वाई क्यू वाई इन वाई का फंक्शन इज इक्वल टू टेन वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट तो आपने निकाल लिया अब क्या कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी भी आपको बताया क्या हो जाएगा वो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई इक्वल टू पी अब आपको इसका पी वाई का py कितना है इसमें py और dy लिखा जाएगा e की पावर py की वैल्यू 2 और y और dy तो आप देखेंगे e की पावर log 2 बाहर में आ जाएगा और 1 और y का log of y हो जाएगा जो होगा 2y के ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e log y स्क्वायर हो जाएगा। मोड लगाने की जो y स्क्वायर इज ऑफ एक पॉजिटिव जब पहले ही पॉजिटिव है तो मोड क्या हो सकता था नहीं समझे तब मोड लगाते हैं भाई नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए लोग किन पर डील करता है लोग डील करता है पॉजिटिव के लिए तो y स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है जब आपने स्क्वायर लिख दिया है तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा ना तो इसलिए बच्चे मोड लगाने की आवश्यकता नहीं इससे लोग हट जाएगा और सामने स्टूडेंट आ जाएगा वाई स्क्वायर तो आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी बनी वाई स्क्वायर। अब सॉल्यूशन लिख देते हैं सॉल्यूशन देखिए कितना हो जाएगा कितना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू एक्स आपको लिखा है इक्वल टू समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू टू वाई और डी वाई और प्लस यही तो सॉल्यूशन होता है इसको ये फॉर्मूला है सॉल्यूशन का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर y स्क्वायर इनटू 2y 2y की वैल्यू कितनी है आपके पास ये भी आपने y की वैल्यू कितनी है 2y की वैल्यू 10y स्क्वायर है तो आप इसे लिखते हैं y स्क्वायर और dy आप देखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 10 बाहर आ जाएगा y की पावर 4 बन जाएगी तो y की पावर 4 का समाकलन होगा तो हो जाएगा y की पावर 5 इनटू 5 प्लस 3 5 से 10 कट जाएगा y स्क्वायर x इक्वल टू ये कितने टाइम 2 टाइम बेटा 2y रेज़ टू पावर 5 प्लस 3 इज योर जनरल सॉल्यूशन स्टूडेंट दैट इज योर जनरल सॉल्यूशन सामान्य हल प्राप्त हुआ आज के लिए इतना।